नहीं भी दिया तो क्या, जवाब देने वालों ने दे दिया। हम लोग तो इतनी बार सुन चुके हैं कि अब वो इफेक्ट लेस हो गई, वो दवा का असर नहीं होता। ठीक है, गालियाँ इतने सुन चुके हैं कि अब गालियों के असर बहुत कम होते हैं। पहले ऐसा होता था चेहरा लाल हो जाता था, यार किसी ने इतनी बुरी बुरी गालियाँ दी नेट पर, लेकिन आज ऐसा होता है कि पता नहीं लोग कितनी गालियाँ देते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि पार्ट है, और हम तो दुआएं देते हैं कि अल्लाह उस मेरे भाई को हिदायत दे और समझ दे कि मेरा भाई जो है इन चीज़ों को छोड़कर वो, और ये देखा भी गया कि अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने गालियाँ दी थी किसी ज़माने में, आज वो बहुत किताब व सुन्नत के मुत्तबे भी हो गए हैं। तो होता है ज़िद वाला इंसान, चूँकि उसको लगा दीन के खिलाफ बात किया ना, गाली दे दिया, लेकिन कल जब उसने समझा चीज़ों को तो वो फिर मुत्तबे भी हो गए, नहीं नहीं मैंने बहुत गलत किया। वो कभी निकाल देते, कभी कुछ कमेंट्स मिटते नहीं यहाँ तक कई जगह से बहरिया। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें जिसको कहते हैं उनकी अपब्रिंगिंग बताती है, उनकी तरबियत और उनके अखलाक बताती है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं। अगर हमने कोई वाकई में गलती की थी तो क्या उस गलती के लिए हम मुस्तहक थे कि आप सीधा किसी के बाप पे इल्ज़ाम लगाएं, या इसके मुस्तहक थे कि उसे गाली दी जाए? तो ये उनके अखलाक बताते हैं। हमारे अखलाक तो ये, और हमारे नबी से जो हमने उस्वा लिया वो ये है कि काफिरों ने उनको गालियाँ दी, काफिरों ने उनको पागल कहा, मजनून कहा, पागल कहा, काफिरों ने आपको जो है जादूगर कहा, साहिर कहा, काफिरों ने आप पे इल्ज़ाम लगाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने कभी भी जवाबी कार्रवाई में किसी भी एक मुशरिक पर ना उसके नस्ल पर इल्ज़ाम लगाया, ना उसके माँ को गाली दी, ना उसको किसी किस्म का बुरे अल्फाज अदा किए। तो उस्वाए हसना तो ये है, नबी का नमूना तो ये है, और जो लोग नबी की मोहब्बत में ये करते हैं, आप देखो तो सही जिसकी मोहब्बत में काम कर रहे हो, क्या उस शख्स जिससे मोहब्बत करते थे उसने कभी किसी को रिटालिएशन में जवाबी कार्रवाई में गाली दी? क्या उसने उस शख्स को जिसने उनके चचा को कत्ल किया, क्या जवाबी कार्रवाई में क्या चचा को कत्ल को गाली दी? क्या वो लोगों ने जिन्होंने आपके मुत्तबईन को, आपके सहाबा को और सहाबियात को मजदूमाना तौर से कत्ल किया, क्या कभी उन्होंने उनमें से किसी एक फर्द को भी गाली दी? मुझे बताइए, किसी ने भी, किसी ने कभी गाली नहीं दी मेरे भाइयों। तो लिहाजा आप जिस अखलाक का दावा करें ना कि हम सच्चे मुत्तबे हैं और आप गाली देते हैं, तो आप फिर हकीकत में मुत्तबे ही नहीं। अगर होते तो फिर आप गाली कभी ना देते, कि तो गाली तो आपको काफिरों ने दी, गाली तो आपको मुनाफिकों ने दी, इल्ज़ाम तो आप पे मुनाफिक और काफिरों ने लगाया।